उत्पादकों को टक्कर देनी साइकिल बाइक और ट्रक के पुराने पार्ट्स से तैयार संबल के टेबल लैंप व घड़ी हड्डी सिंह के कारोबार से विश्व भर में पहचान बनाने संबल में अब एक नए कारोबार की शुरुआत हुई है। लॉकडाउन में हड्डी सिंह कारोबार प्रभावित तो हुआ तो निर्यातकों ने चीनी उत्पादकों को मात देने के लिए बाइक साइकिल ट्रक के खराब पार्ट से दीवार घड़ी व टेबल लैंप बनाने शुरू कर दिए। महज 300 से 400 रुपए में यह एक आइटम तैयार हो रहा है। अमेरिका और रूस से इन आइटमों को सबसे ज्यादा ऑर्डर निर्यातकों को मिल रहे हैं। संबल की उपनगरी सरायतरीन में इस नए कारोबार की शुरुआत होने से संबल को एक नई पहचान मिल रही है। उपनगरी सरायतरीन में हड्डी व सींग के अवशेषों को खूबसूरत आभूषणों का रूप देने के लिए श्रमिक भले ही सांस टीबी कैंसर जैसी बीमारियों की चपेट में आकर जिंदगी कम कर रहे हों, लेकिन उनकी बदौलत ही सरायतरीन ने अपनी पहचान देश ही नहीं विदेशों में भी बनाई है। श्रमिकों के हुनर ने सात समंदर पार तक हड्डी सींग उत्पादकों का जलवा बिखेरा है। अब कारोबारी की बदौलत ही कोरोना महामारी में एक नए कारोबार को पंख लगे हैं। निर्यातक जकी सलामी ने बताया कि अब साइकिल बाइक और ट्रक के पुराने पार्ट्स जैसे टायर चैन पाना चाबी चेन रिम डिश ब्रेक स्प्रिंग से टेबल लैंप टेबल घड़ी दीवार घड़ी तैयार की है। उनके मुताबिक एक घड़ी व टेबल लैंप बनाने में 300 से 400 रुपए तक का खर्चा आ रहा है। इस समय उनके पास अमेरिका से ऑर्डर मिला हुआ है। बता दें कि सरायतरीन में हड्डी सींग से निर्मित आभूषणों को विदेशों में काफी पसंद किया जाता है। विदेशी नागरिकों को लुभाने में यहां के कारीगर सफल तो हुए ही हैं, साथ ही उन्होंने इन विदेशियों को अपना दीवाना बना डाला है। यहां बने हड्डी सींग के आभूषण विदेशों को काफी लुभा रहे हैं। श्रमिक हड्डी सींग से कानों के बुंदे कमर की पेटी अंगूठी नेकलेस कड़े चूड़ियां फोटो फ्रेम तथा घरेलू साज सज्जा का सामान बनाकर तैयार करते हैं। इनके बाद निर्यातक उत्पादकों को रूस अमेरिका यूरोप कोरिया जापान ऑस्ट्रेलिया चीन समेत विभिन्न देशों में भेजते हैं। मैं यहाँ पर एक हैंडीक्राफ्ट का काम बहुत टाइम से मेरे वाले जो काम करते थे 1973 से काम करते थे उनको काम को आगे बढ़ाया जा रहा है। अच्छा आपने कोरोना काल में जो आइटम तैयार करें क्या क्या आइटम है कैसे कैसे? कोरोना की वजह से एक्सपोर्ट में मंदी तो आई थी लेकिन घर पे बैठे हुए थे तो दिमाग में एक आया कि क्यों ना जो रिसाइकल आइटमें होती हैं जो खराब आइटमें होती हैं उनको एक होम डेकर में इस्तेमाल किया जाए। तो एक जहन में यही ख्याल आया कि जो खराब बाइक के पार्ट्स वगैरह होते हैं उनको यूजेबल कैसे किया जाए। तो हमने बाइक के चेंज पॉकेट से वॉल क्लॉक बनाए और उनको एक नई टेक्निक देने के लिए हमने उसको यहाँ का जो प्रसिद्ध काम है हड्डी का हड्डी और सिंग का उसको मिक्स किया गया है। ये आइटम हड्डी और सिंग के साथ में हमने बाइक के पार्ट्स हैं और आपके ट्रक के स्प्रिंग हैं जो यूजेबल नहीं होते हैं जो निकाल दिए जाते हैं तो उसको हमने इंटीरियर में लाने का काम किया है। वॉल लैम्प हैं और आपके वॉल क्लॉक हैं इस तरीके से हमने काम किया है। और अब मार्केट में यही है कि US वगैरह में इसकी अच्छी खासी डिमांड है जो रिसाइकिल आइटम होती हैं आपकी उनकी अच्छी डिमांड है और हमारे पास क्लाइंट भी हैं। हम कोशिश कर रहे हैं इसको बाहर एक्सपोर्ट करने के लिए और क्लाइंट से हमारी बात चल रही है उनको बहुत पसंद आई है आइटम। जी कहाँ कहाँ आपका माल गया हुआ? ये हमारा माल स्पेन रूस और आपको क्या कहते हैं US अमेरिका वगैरह में हमारा माल गया है। यूरोप में अच्छी खासी इसकी डिमांड है और हमने चाइना से टक्कर देने के लिए ये काम किया कम पैसों में एक अच्छा इंटीरियर के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा एक घड़ी कितने रुपए में तैयार हो जाती है? ये घड़ी आपका कम से कम 500-600 रुपए के आसपास ये तैयारी में आती है। लैंप भी करीब क्या कहते हैं 500-600 रुपए की रेंज में एक लैंप आता है।